तेरी क्या औकात है, हम तुझे बता के रहेंगे, तू गडरिया है, तेरी हम औकात बताएंगे। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा विजयपाल। आज बेहद गंभीर मामला है, मामला इटावा से आ रहा है, जहां पर इटावा पुलिस चौकी के अंदर, जेल चौकी के अंदर, जेल चौकी की प्रभारी द्वारा महिला कांस्टेबल गुंजन पाल को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। शब्दों में जाहिर किया है कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, कई बार उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है, वीडियो बनाए जा रहे हैं। इससे प्रताड़ित होकर के गुंजन पाल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनवाते हैं वो वीडियो, जिसमें गुंजन पाल रो रो कर इंसाफ की दुहाई कर रही हैं, उनके आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आप भी देख लीजिए गुंजन पाल का वो वीडियो, जो आज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 29 तारीख को रजनी मैडम के साथ लगी हुई थी, जो मुझे पहले से भी परेशान करती थी। उस दिन मेरी ड्यूटी लगी, तो वो मेरी ड्यूटी के दौरान मौजूदगी में भी मेरी रपट के हाजिरी अंकित करवा रही। हमने उसका वापसी कराने के बाद हमने मैडम से कहा, हमने कहा मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो कहने लगी तुम मुझसे बहस मत कर, तो कदम दूर हट जा। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोली, मैं ड्यूटी करती रही। उसके बाद उन्होंने सिपाहियों को भेजकर मेरा फोटो खिंचवाया, उसको वायरल किया। मैंने जिसकी रिक्वेस्ट इंस्पेक्टर सिविल लाइन मदन सर से किया, हमने कहा सर प्लीज़ हमारी ड्यूटी हटा दीजिए यहाँ से, हमें बहुत परेशान कर रही हैं, हमारा नुकसान कर देंगे सर प्लीज़। लेकिन उन्होंने मेरे कुछ कोई भी सुनवाई नहीं की। उसके बाद जब हमने ये मैसेज उस ग्रुप में किया, तो उस बीच में मैं अपना एटीएम से वो ओटीपी, मैं उस वक्त वहीं पास में एक एटीएम था, उसमें अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए गई थी। मैडम पीछे से हमारा तुरंत वीडियो बनाने लगी और कहने लगी कि तुम यहाँ एटीएम में तुम्हारा पॉइंट है, तुम यहाँ एटीएम में तुम्हारा पॉइंट है, तुम यहाँ ड्यूटी कर रही हो। मुझे गालियाँ वालियाँ भी देने लगी। हमने कहा मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ एटीएम का पासवर्ड चेंज करने आए थे, प्लीज़ मैडम आप हमें क्यों परेशान कर रही हो, आप पहले भी परेशान कर रही थी, आप हमें क्यों नहीं ड्यूटी करने दे रही हो। मेरा बिना कुछ सुने मेरा वीडियो बना के वायरल कर दिया। उसके लिए उसके बाद हमने थाना सिविल लाइन जाकर वापस ड्यूटी के, जब ड्यूटी 7 बजे ख़त्म हुई तो हम थाना सिविल लाइन के, हमने मदन गुप्ता सर से मिलने की कोशिश की, हमने मुंशी गार्डों को भी बताया, सभी मुंशी स्टाफ वहाँ पे था और भी दरोगा सिविल लाइन के सभी स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, उनके सामने हमने सारी बात रखी, लेकिन वहाँ पर किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। हमने इंस्पेक्टर सर को फ़ोन भी लगाया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। वापस मैं अपना इस रूम पर चली गई, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं पूरी रात रोई हूँ। दूसरे दिन मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर से सर मेरी ड्यूटी चेंज कर दीजिए, वहाँ मत लगाइए, लेकिन सर ने कोई एक्शन नहीं लिया, कह दिया कि तुम्हें वही ड्यूटी करनी है। मैं फिर भी 6 बजे ड्यूटी वहाँ पर चली गई, 6 बजे मैं ड्यूटी करती रही, आधा घंटे मैडम का इंतज़ार किया, फिर मैंने अपना लोकेशन डाल दिया ग्रुप में कि मैं ड्यूटी पर मौजूद हूँ। उसके बाद मैडम 7 बजे आ रही हैं, सॉरी 8 बजे आ रही हैं, 8:15 पे, मैं कुछ नहीं बोली। आते ही इन्होंने मुझे धमकी देने लगी, कैसे ड्यूटी कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, तुम 2 कौड़ी की सिपाही हो, तुम्हारी औकात कैसी है, तुम्हें हम बताएंगे। मैं कुछ भी ना बोले, मेरी इतनी पब्लिक पर्सनल बेइज्जती की है, वहाँ इतनी जॉली मेडिकल के सामने इतना भीड़ थी, मुझे भी इतना शर्मिंदा वहाँ होना पड़ा, जिसका हम इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। फिर भी हम कुछ नहीं कहे, हम ड्यूटी अपनी करते रहे। 9:30 बजे मैं खाना खाने के लिए बता कर गई, मैडम मैं यही स्टेशन पर खाना खा लूँ, मैं अपना खाना लेकर गई थी। मुझे खाना बताने के बावजूद भी, मैं खाना खा रही थी, मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहा था, मैंने फ़ोन देखा तो उसमें मुंशी भैया का फ़ोन आ रहा था। हमने पूछा भैया क्या हो गया, तो कहने लगे तुम्हारी डपट के याद हैं कि भाई तुम ड्यूटी पर मौजूद नहीं हो। हमने कहा नहीं भैया, हम यहीं 10 मीटर की दूरी पर स्टेशन पर खाना खा रहे हैं, हम खाना खा के अभी ड्यूटी चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जाके लोकेशन भेजना। हमने ड्यूटी पे पहुंचने के बाद तुरंत लोकेशन भेजा। उसके बाद ये अपना 2 घंटे के लिए चली गई, हम अकेले ड्यूटी करते रहे, आरटीसी के भैया लोग थे उनके साथ हम ड्यूटी करते रहे। मेरे सिपाहियों को भेज के भी फोटो खिंचवाती हैं, उसको वायरल करती हैं। जब ये होटल में आराम कर रही थी विशाल ट्रेन में, मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, मुझे अनहोनी का शक था, तो इसलिए मैं मैडम को बुलाने गई, लेकिन मैडम ने दरवाज़ा नहीं खोला,
वो विशाल प्रेमी 109 नंबर में आराम कर रही थी। हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए उन्होंने गेट कीपर को बुलाया और उनसे कहा इनको हटाओ, इन्हें भगाओ यहाँ से। मैंने कहा भैया हमें जरूरी काम है, हमें मैडम से मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो इन्होंने मुझे अंदर से धमकी दी कि तुझे मैं गायब करवा दूँ। मैं तो बोल न गई। इंस्पेक्टर सर ने कहा अगर ऐसा है तो वीडियो बना लो। उनके कहने के बाद हमने वीडियो बनाया, लेकिन मैडम नहीं निकल रही थी। विजय सर को उन्होंने भेजा, मदन गुप्ता सर नहीं आए। ऐसा ही विजय सर और सिपाहियों को लेकर आए वहाँ मौजूद, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। हमने कहा सर प्लीज़ मेरा ये बेवजह वीडियो बनाकर जाहिर कर रही है, और खुद यहाँ कब से आराम कर रही हैं बताइए सर, हम कितना परेशान हैं, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा। जब मैंने इनसे ज़्यादा कहा तभी निकल कर आई हैं, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैं इनका थोड़ा सा ही 2 सेकंड का वीडियो ले पाई थी। वीडियो बनाने के बाद मैंने फायर भी नहीं किया, मैं पुनः ड्यूटी पर बैठ गई ड्यूटी करती रही। वे वहाँ से गई, मेरा तुरंत थाने जाकर इन्होंने तस्कर डाल दिया, जो कि मैं उस टाइम ड्यूटी पर थी। उसके बाद भी उन्होंने लिखा कि ये मोबाइल पर बात करती रहती है, मुझसे बदतमीजी करती है, मुझे जिसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब मुझे पता चला, मुझसे कहा कि तुम्हारी ड्यूटी चेंज हो गई है, मुझे दूसरे पॉइंट पर भेज दिया गया। उसके बाद भी ये मुझे धमकी दे रही है कि तुमने मेरा वीडियो बना के क्या कर लिया, मैं तुझे सस्पेंड करा दूँगी, तेरी क्या औकात है, हम तुझे बता के रहेंगे, तू गडरिया है, तेरी हम औकात बताएंगे। हमने कहा मैडम आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मजबूर कर रही हो इतना। हम इंस्पेक्टर सर को फिर भी फ़ोन लगाए, इंस्पेक्टर सर ने कुछ भी नहीं सुना। मैं मजबूर हो गई। फिर मैंने 10:45 रात में ये वीडियो अपने थाना सिविल लाइन ग्रुप में डाला था। उसके बाद पता नहीं सर किसने ये वीडियो मीडिया सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मैं इतना मजबूर हो गई, मुझे अभी भी इतना प्रताड़ित कर रही, मैं इतना मानसिक रूप से परेशान हो चुकी हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ। और मेरे अब चाहती क्या सर, हम नहीं चाहते, मैं इतना परेशान लगे जाए, हम हमारा तो क्या गुनाह है, हम सिपाही हैं, हमारा कोई औकात नहीं है। हाँ सर, हमने प्रभारी महोदय को हर एक जानकारी दी, क्षेत्राधिकारी महोदय को भी हमने इस घटना की जानकारी दी, उन्होंने भी मुझे उन्होंने क्या सोचन दिया था, उन्होंने ही कहा कि तुम जाओ मैडम से बात कर लेंगे। आपकी जन अदालत न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं, आपके जन अदालत न्यूज को देख रहे हैं। गुंजन पाल को इंसाफ दिलाने की बात यदि आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो निश्चित रूप से आज आप इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए सोशल मीडिया पर ताकि गुंजन पाल को इंसाफ मिले, ये मेरी दरख्वास्त है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार।